महाराष्ट्र को भी जोर दिया है, तो एक प्रकार से आपने मेरी मदद की है, वरना तीनों को अलग अलग इंटरव्यू देता तो शायद मुझे और ज़्यादा टाइम देना पड़ता। बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका नेटवर्क एटीन के। पहला सवाल मोदी जी, हम लोग पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, हम लोग बिहार गए और भी महाराष्ट्र में भी थे, तो हर जगह ये देखा गया है कि चाहे विपक्ष से बात करें चाहे आपके उम्मीदवारों से बात करें, लोग कहते हैं कि जब मोदी जी यहाँ आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते, मोदी जी आएंगे तो हो सकता है स्वीप हो जाए, हो सकता है सीट निकल जाए। तो क्या 2024 के इस चुनाव को हम नरेंद्र मोदी पर एक रेफरेंडम की तरह देख सकते हैं, जन जनमत संग्रह की तरह देख सकते हैं? अब ये तो सारा खेल मीडिया के लोगों का होता है किस समय किस प्रकार से एनालिसिस करना, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मैं कोई चुनाव के समय काम करने वाली सरकार नहीं चलाता हूँ। आप मेरा 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो एवरेज फ्राइडे सैटरडे संडे मैं हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में गया हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ, और इसलिए मेरा जाना निरंतर चलता रहता है। और चुनाव में मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र का उत्सव ऐसा है कि सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाएं, जाकर के एक प्रकार से प्रशिक्षण का काम होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। तो मैं एक राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता के नाते चुनाव या न हो मैं इसे अपना कर्तव्य मानता हूँ और इसलिए मैं जाता हूँ। जहाँ तक ये दो फेज का सवाल है, मैंने ऐसा जन समर्थन बहुत कम चुनावों में देखा है जो मैं इस बार देख रहा हूँ। एक प्रकार से चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है, सुशासन के लिए लड़ रही है, अपने सपनों को साकार करने के लिए लड़ रही है। ऐसा मुझे लगता है, शायद मैं तो शायद एक निमित्त हूँ। इस बार मेरा जरा ज़्यादा उत्साह है लोगों के बीच जाने का, और पहले के तुलना में शायद मैं ज़्यादा बार जाना भी चाहता हूँ, इसलिए कि जो जनता जनार्दन इतने उमंग और उत्साह के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली हो, तो उस जनता जनार्दन को जाकर के उनको प्रणाम करना, नमन करना, उनका आशीर्वाद लेना, ये मुझे अपना कर्तव्य लगता है। और मैं देखता था जो फर्स्ट राउंड हुआ, तो मैंने किसी दोस्तों को कहा था कि पहले राउंड में ये हमारे खिलाफ जो लोग मोर्चा लगा करके बैठने की कोशिश कर रहे हैं, पहले राउंड में वो पस्त हो गए जी। और कल मैंने देखा दूसरे राउंड में ये ध्वस्त हो चुके हैं, यानी पहले लोगों ने पस्त कर दिया, अब ध्वस्त कर दिया। मोदी जी, जब कैंपेन की आपने शुरुआत की थी तो बड़े हाई नोट पे ये कैंपेन की शुरुआत हुई थी, आपने कहा, आपने अपने सरकार के पूरे काम का परिचय दिया, आपने डेवलपमेंट एजेंडा को लेकर आगे बढ़े, इकोनॉमी पर आपने जो है बहुत प्रकाश डाला और इसके ऊपर बहुत काम हुआ भी है। अभी इधर उधर एक दो चरण के बाद आते आते आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस पर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है, क्या आपको ऐसा दिखता है? मुझे लगता है शायद आपकी टीम ने मेरा पूरा कैंपेन को ट्रैक नहीं किया है, या शायद विकास की बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसको शायद टीआरपी के हिसाब से बैठता नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि मेरा पूरा इलेक्शन कैंपेन दो चीज़ों पर केंद्रित है,
एक हमने समाज कल्याण को लिए, लोक कल्याण के लिए क्या काम किए, और सबसे बड़ा फर्क है और सरकारों में मेरे सरकार में, वो ये है कि लास्ट माइल डिलीवरी, ये हमारी विशेषता है। नीतियाँ तो सर कोई सरकारें बनाती हैं, कोई सरकार बुरा करने के लिए तो आती नहीं है, अच्छा करना चाहती है। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा करना आता है, कुछ लोग अच्छा होने का इंतजार करते हैं। मैं ऐसा हूँ कि मेहनत करके जो अच्छा हो करूँ, मेरा हमेशा ऐसा रहा है। अब देखिए, मैं चुनाव में लगातार बोल रहा हूँ कि हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए। मैं इतना लोगों को कहता हूँ कि आप इस चुनाव प्रचार में जाएं तो मेरी मदद करें कि जिसके घर बनाना भी छूट गया हो, हर गांव में एक तो निकलेंगे, उनकी सूची में भेजो, ताकि जैसे ही मेरा तीसरा टर्म शुरू होगा मैं इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 3 करोड़ घर और मैं बनाना चाहता हूँ। अब आयुष्मान भारत योजना, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्थ एश्योरेंस की स्कीम है ये जी। 55 करोड़ लोगों को इलाज का भरोसा कि भाई अब आपको मोदी है, मोदी की सरकार है, 5 लाख रुपए तक का खर्च होगा, संभाल लेंगे। इस बार हमने मैनिफेस्टो में कहा है कि किसी भी वर्ग का, किसी भी समाज का, किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति कौन हो, जिस भी परिवार में 70 से ऊपर की आयु के जो भी व्यक्ति होंगे, पुरुष स्त्री सब, उन सबको हम ये 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। इस बार हमने मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि जो आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनको हम इसका बेनिफिट देंगे। ट्रांसजेंडर जितने भी हैं, किसी भी आयु के क्यों ना हो, हम उनको ये बेनिफिट देंगे। तो ये बात हम लोगों को बताते हैं। अब आप देखिए जी, हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये जो मिलकर जब्त करने के खेल चल रहे हैं ना जी, पहले कर चुके हैं जी, सारी बैंकें प्राइवेट थी, लूट लिया रातों रात, गरीबों के नाम पर लूटा गया। लेकिन हमारे देश की बैंकें खस्ता हाल हो गई, आधे से अधिक आबादी ऐसी थी कि गरीबों के नाम बैंक तो लिया लेकिन बैंक खाता नहीं खुला। ये मोदी ने आकर के 52 करोड़ बैंक के खाते खोले, और उसका सबसे बड़ा मैंने फायदा उठाया। खाते खोल करके आंकड़ा नहीं किया, मैंने जनधन, आधार और मोबाइल, इस ट्रिनिटी को लेकर के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 36 लाख करोड़ रुपये, आंकड़ा बहुत बड़ा होता है जी, 36 लाख करोड़ रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों के खाते में गए। अगर मैंने बैंक खाते ना खोले होते तो इनका बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन, इस दुनिया में, पूरी दुनिया में एक साल में जितने अकाउंट खुलते होंगे ना, उससे ज़्यादा काम हमारे देश में हुआ है। जल जीवन मिशन, हमारे देश में जी 3-4% घरों में भी घर में नल से जल आता था, वो भी ज़्यादातर अर्बन लोकेलिटी में। आज 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचा है। अब ये सारे काम है, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर ऐसे ही नहीं आए जी, हमने उनको इतना सशक्त बनाया। और मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि हम गरीब को इतनी ताकत दें कि गरीब खुद गरीबी को परास्त करे। और जब गरीब अपने मेहनत से गरीबी को परास्त करता है ना, उसके बाद उसको गरीबी में वापस नहीं जाना, ये संकल्प बन जाता है और वो देश की शक्ति बन जाता है। आज हमें फायदा है 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी, दुनिया इसकी तारीफ कर रही है जी, जी। और ये एक मॉडल बनेगा जी, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए मॉडल बनेगा जी। आप देखिए 2014 के पहले क्या हाल था, 2014 के पहले आपके सारे मीडिया वाले निकाल दीजिए, फ्रेजाइल फाइव यही हेडलाइन होता था जी। आज जी हम वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गए। IMF ने
दुनिया के 150 देशों का समूह, जिसमें चाइना भी है, हिंदुस्तान भी है, जिसको हम कहें कि एक डेवलपिंग कंट्रीज है या जो इमर्जिंग इकोनॉमी वाले देश हैं, ऐसा का एक समूह का उनको क्लासिफाई करके उन्होंने उसका एनालिसिस किया। बड़ा इंटरेस्टिंग आया, यानी एक प्रकार से ये इंडिया का पीयर ग्रुप हम कह सकते हैं। अब देखिए क्या एनालिसिस है, 1998 इंडिया पर कैपिटा जीडीपी इस पीयर ग्रुप से 30% के आसपास थी, यानी पूरा 150 देशों का देश है। उस समय अटल जी की सरकार थी, यानी 98 में अटल जी की सरकार है। 98 से 2004 अटल जी के अपने कार्यकाल में ये 30% को 35% ले गए। अच्छा था, अच्छा प्रोग्रेस हुआ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए जी, 2004 में ये सब खिचड़ी कंपनी आ गई और ये खिचड़ी कंपनी ने अटल जी की मेहनत जो थी उस पर पानी फेर दिया, 35% को 30 पर ले आ गए वो लोग। यानी इन सारी कंट्रीज ने भारत से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया और हमने बुरा किया। यूपीए की सरकार में भारत डेवलपिंग वर्ल्ड की अपेक्षा और गरीब हो गया। हमसे गरीब थे वो भी हमसे आगे निकल गए। लेकिन 2014 में हमारे सरकार बनने के बाद 2019 तक में आपको खुशी होगी हम 30 पर से 37 पे पहुंचा दिया, और 24 तक मैं जब पहुंचा हूं ये मामला 42% पहुंच गया है। यानी 30 छोड़ा था हम 42 ले, और ये हाईएस्ट है जी। यानी हमारी इनकम दुनिया के और देशों की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर आप 10 साल के कालखंड में इन्फ्लेशन को भी ले, जो महंगाई की इतनी चर्चा करते हैं ना, तो ये 10 साल सबसे कम इन्फ्लेशन वाला कालखंड रहा है। ये मैं इतना सारा जो कहता हूँ और हकीकत के आधार पर कहता हूँ, कठोर परिश्रम करने के बाद अचीव किया है जी। पूरी सरकार को मोबिलाइज किया है और लक्ष्य को पार करने के लिए जी जान से जुड़ गए हैं। उसके बावजूद भी मोदी क्या कहता है, मोदी तो कहता है भाई ये तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है और नई नई आकांक्षाएं, और मैं बहुत तेजी से बढ़ना चाहता हूँ देश को लेकर के। और कांग्रेस का जहाँ तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतने ही गुड़ी 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 उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिली भगत लगता है, अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफ़ी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयाँ हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयाँ लेकर के आनी पड़ी। आप देखिए साहब, अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी, इनहेरिटेंस टैक्स पर, तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूँ, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं, तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उनके आज तक का इतिहास है वो करेंगे क्या?
तो फिर मेरी जिम्मेवारी, इट्स अ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप तय कीजिए, जाना न जाना जनता जनार्दन का हक है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि तथ्य व आधार पर, तर्क के आधार पर, उनकी हकीकतों के आधार पर मुझे बताना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। सैम पिट्रोजा ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा, और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी, हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महासभा के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक नेशनल एक्सरे कराएंगे, बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है, बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है, और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे, और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो अगर ये सही है तो 50-60-65 साल तो आपने राज किया भाई, ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो, और आपने अब तक की ये बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई, नंबर वन। नंबर टू, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा, और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है जी। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है, और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखा पट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह, उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा, तो हिसाब किताब बहुत साफ है, वो क्या करना चाहते हैं। आपने ये सवाल भी उठाया है, 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेज पर है, ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे, और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा। बताइए, आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में, समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं। 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है,
यानी 90 के पहले का उनका दशक है। फिर उनको जितनी भी कमीशन बने, जितनी कमेटियां बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स ओबीसी के विचार के पक्ष में आने लगे। अब उनके सिफारिशों को भी वो नकारते रहे, रिजेक्ट करते रहे, दबाते रहे। 90 के दशक में उनको लगा कि भी अब इसको जरा उनकी वोट बैंक की राजनीति के अनुसार उसको टर्न दिया जाए। उन्होंने पहला पाप किया क्या, 90s के दशक में कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। यानी देश के ओबीसी को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीति खातर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर देना। केंद्र से कांग्रेस गई, 2004 तक ये प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ। 2004 में वो फिर आए तो आते ही आंध्र में मुस्लिम को ओबीसी कोटा ये देना तय कर लिया। मामला कोर्ट में जाके उलझ गया। अब ओबीसी के 27% जो आरक्षण मिला हुआ है, भारत के संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है, 27% सैंध लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की। 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी एनडीसी की, मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। 2 साल कांग्रेस पूरी चुप रही। 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया। 2011 में कैबिनेट नोट है इसका, 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कानूनी जजमेंट आ गया। एससी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई आरएसएस वाले, बीजेपी वाले संविधान सभा में नहीं थे। बाबा साहब आम्बेडकर जैसे लोग बैठे थे, पंडित नेहरू जैसे बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई बैठे थे, देश के कई महापुरुष बैठे थे। उन सब ने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, यानी मुस्लिम लीग ही नीतियां उन्होंने अपनाना शुरू किया। अब ये जो उन्होंने स्थितियां बनाई हैं, मुझे बताइए कि देश के लोगों को ये जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करते हैं, एससी एसटी के आरक्षण पर भी खतरा तलवार लटका देते हैं, ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे, क्या मुझे देश की जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं, जो कलम के धनी हैं, जो निष्पक्ष हैं, उनका ही दायित्व बनता है कि ऐसे समय देश को वो एजुकेट करें, सही चीज़ें बताएं। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला है, जो कि उन्होंने मैनिफेस्टो में बोला है उसे लिखा है कि इनकरेज और असिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटीज़। उन्होंने ये कहा है कि विल इंश्योर माइनॉरिटीज़ रिसीव देयर फेयर शेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये बोला है। तो इसको आप कैसे पढ़ते हैं, मतलब इनके मैनिफेस्टो को? मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं, मैंने 1990 से आपको हिसाब दिया है जी। 1990 का हिसाब देखोगे उसके बाद आप क्या कहोगे मुझे? अब मुझे उसमें एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती जी। आपको 1990 से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 2009 के बयान तक और सारी चीजों को
एक टेबल पर लेकर के देखोगे तो आप बिल्कुल इसमें से क्या निकालोगे भाई, मैं नहीं निकाल रहा हूं जी, हर एक को यही निकालना पड़ेगा भाई। हाँ मतलब कि एक एक करके यहाँ जाएंगे वो। और ये जो भागीदारी की बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस में कि जजेस ओबीसी नहीं है, मीडिया में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कम है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब मुझे बताइए, जो 2014 में हम आए, हमने ऐसी कोई नीति बनाई है क्या जो जिसके कारण किसी को रुकावट हो जाए? तो ये उनके पाप है, उनके पापों को देश भुगत रहा है। अगर उन्होंने सच्चे अर्थ में सेकुलरिज्म किया होता, सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय किया होता, वोट बैंक की राजनीति न की होती, तो ये उनको आज इस प्रकार से झूठे कागजों को लेकर के घूमना नहीं पड़ता जी। मुझे विश्वास है कि 10 साल से मैं जो कर रहा हूँ, स्थिति ऐसी आएगी कि जितनी बातें हैं उनका जवाब हम ही देंगे, कर कर के देंगे, हर एक को योग्य न्याय देंगे। आज हमारे पहले देश के राष्ट्रपति आदिवासी कैसे बने हुए, हमारी सोच के कारण बने। हमें 3 बार राष्ट्रपति बनाने का मौका आया, एक बार अटल जी के समय, 2 बार मेरे समय। पहली बार हमने किसको बनाया? माइनॉरिटी को बनाया जी, बिल्कुल अब्दुल कलाम जी को बनाया। मुझे मौका मिला पहला तो किसको बनाया? दलित को बनाया। दूसरा मौका मिला तो किसको बनाया? आदिवासी महिला को बनाया। तो ये हमारे आचरण से पता चलता है कि हमारी सोच क्या है जी। मोदी जी, आपने एक बात और कही है और इसको मैं एक लंबे सवाल से भी जोड़ना चाहता हूँ। आपने कहा है कि अगर इनका गठबंधन जो है सरकार बनाएगा तो ये PM बाय रोटेशन होगा, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसको PM बनाएंगे, तो एक एक साल के लिए सब लोग PM बनेंगे। सवाल मेरा थोड़ा बड़ा है, सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जिस स्टेज में इंडिया का जो डेवलपमेंट स्टेज है उसमें कोएलिशन गवर्नमेंट काम करेगी या एक स्टेबल गवर्नमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होगी? दो अलग अलग सवाल है जी। देखिए, आप कांग्रेस का कैरेक्टर देखिए, उनके यहाँ राजस्थान में पार्टी के अंदर आंतरिक संघर्ष था, दोनों फॉर्मूला बनाई, ढाई ढाई साल मुख्यमंत्री की, ढाई साल एक मुख्यमंत्री रहेंगे, ढाई साल दूसरे मुख्य। राजस्थान में फॉर्मूला बनाई थी, नॉन फॉर्मूला है। छत्तीसगढ़ में ऐसा उनकी पार्टी के भीतर झगड़ा हुआ तो वहाँ भी उन्होंने फॉर्मूला बनाई कि ढाई साल एक, ढाई साल दूसरा, और उन्होंने मामला संभाल करके गाड़ी चलाई। और ये भी सच्चाई है कि ढाई साल के बाद वो मुकर गए जी, यानी खुद की पार्टी के साथ धोखा किया, खुद की पार्टी के अंदरूनी धोखा करने की उनकी प्रवृत्ति वो तो एक। इसका मतलब ऐसी फॉर्मूला कांग्रेस के दिमाग में होना ये प्रूवन है उसमें। और मैंने अभी कहीं मीडिया में पढ़ा, उनकी एक कोई छोटी सी मीटिंग हुई थी, मीडिया में पढ़ा मैंने, और उसमें ये कहा कि भाई अब आज के स्थिति जब मोदी बार बार पूछ रहा है भाई इतना बड़ा देश किसको सुपुर्द करे, आपका नाम तो होना चाहिए ना, इतना बड़ा आप किसी का भी नाम दीजिए जी, कोई तो नाम देना पड़ेगा ना। अरे क्रिकेट की टीम होती है वो भी कैप्टन बताती है, कबड्डी की टीम होती है वो भी कैप्टन बताती है भाई, आप बता नहीं रहे हो कि इतना बड़ा देश दे किसको। और तब जाकर फिर उन्होंने कोई ऐसे फॉर्मूला बनाई है कि भाई 1 year 1 PM फॉर्मूला। अब 1 PM 1 साल रहेगा तो आएगा, पूरी नई सरकार बनाएगा, कैबिनेट बनाएगा, तो फिर शपथ समारोह चलते रहेंगे 5 साल और क्या होगा जी। और देश संकट समारोह में उलझता रहेगा, वो शपथ समारोह में उलझते रहेंगे। अब कोई देश ऐसे चल सकता है? इतना बड़ा देश जी, देश ने 30 साल तक अस्थिरता देखी है, मिलीजुली सरकारों का दौर देखा है। आज दुनिया में भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है, उसका कारण भारत के 140 करोड़ लोगों ने एक स्थिर, मजबूत, स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाई। तो कोई भी भरोसा करेगा भाई हाँ जी, इस सरकार के पास मैंडेट है। मिलीजुली सरकार पर कोई भरोसा ही नहीं करता है, और इतना बड़ा देश ऐसे थोड़ा चल सकता है। लेकिन आज देश की राजनीति ऐसी है
कि कोई एक पार्टी कितने ही बहुमत से क्यों न जीते, उसने रीजनल एस्पिरेशंस को ऑनर करना ही होगा। और इसलिए हमें पूर्ण बहुमत मिला फिर भी हम सरकार एनडीए की बनाते हैं, एनडीए के साथियों को लेकर के बनाते हैं, क्योंकि एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी देश के राजनीतिक उज्जवल भविष्य के लिए, देश के लोगों के एस्पिरेशंस के लिए, रीजनल एस्पिरेशंस को उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए, उतना ही हिस्सा देना चाहिए। और ये कैरेक्टर एनडीए ने डेवलप किया है, भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। आपने रीजनल एस्पिरेशंस की बात की तो उसकी बात हम लोग करेंगे। एक सवाल और जिससे पहले कि उस पर आते हैं, ऑपोजिशन की सारी पार्टीज, राहुल गांधी, कांग्रेस, सब ये कहते हैं कि मोदी जी ये जो है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस चुनाव पर। उन्होंने कहा है कि ईडी, सीबीआई और ईवीएम के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते, क्या कहेंगे आप? ईवीएम का जवाब तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, और 2014 में इनके पास ईडी थी, इनके पास सीबीआई थी, तो हार क्यों गए भाई? मेरे होम मिनिस्टर तक को जेल में डाल दिया था, तो हार क्यों तो गए वो? अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक तो कांग्रेस ने किया है, वो जीत जाते हैं जी। और इतना बड़ा देश एक म्यूनसिपैलिटी का चुनाव फिक्स नहीं कर सकते भाई, जरा करके देखो, ये संभव होता है क्या फिक्सिंग? क्या क्या दुनिया को मूर्ख बना। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसी बातें करने वालों को आप मीडिया के लोग उनको पूछने के बजाय हमको पूछते हो। मोदी जी थोड़ा सा लेकिन इसमें एक बात चौकस है जी, मैं मानता हूं पिछले कई दिनों से इंडिया अलायंस के लोग इतने निराश हो चुके हैं कि अभी उनको बहाने ढूंढना बहुत जरूरी बन गया है, क्योंकि पराजय के बाद भी लोगों के सामने जाने के लिए उनको इसलिए मैं समझता हूँ शायद वो अभी से ये सारे तर्क ढूंढ रहे हैं कि पराजय के तर्क क्या होंगे, शायद उसी की उनकी इंटरनल एक्सरसाइज है ये। मोदी जी, दो स्टेट्स अहम हैं इस चुनाव में, एक है कर्नाटका और एक है महाराष्ट्र। कर्नाटका जहाँ पे अभी आपकी हार हुई थी विधानसभा के चुनाव में, और महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है, दो पार्टियाँ टूटी हैं। मेरे दो साथी मेरे साथ हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कर्नाटका से। तो हरिप्रसाद जी जो हमारे वहाँ के एडिटर हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हरिप्रसाद जी स्वागत है आपका। कर्नाटकदल्लि नेहा हिरेमठ मर्डर केस बहुत चर्चे आगता इदे, नेहा किल्ड इनसाइड द कैंपस बाय फयाज, इवन जे पी नड्डा जी रश टू हर हाउस। आप क्या सोच रहे हैं, ये अभी ये फोकस शिफ्ट हो रहा है क्या, कर्नाटक का चुनाव का फोकस ऐसे इश्यूज को शिफ्ट हो रहा है? देखिए, नड्डा जी का कार्यक्रम वहाँ चल रहा था और इतनी बड़ी घटना घटी थी, और ऐसी चीज़ों में हमें वो किस दल के थे, वो कांग्रेस के थे, उसकी बेटी की हत्या हो गई तो हमारा क्या, ये हमारे संस्कार नहीं है, नहीं हमारी सोच है, और एक मानवीय संवेदना का विषय है। और मैं मानता हूँ कि अच्छा हुआ अध्यक्ष जी ने इतनी चुनाव की आपाधापी में भी उनके सांत्वना देने का प्रयास किया है, ये पूरी तरह मानवीय व्यवहार है। मैं भी अब मुझे मैं बताता हूँ कि शायद कौन सा चुनाव है मुझे याद नहीं है, लेकिन राहुल जी का कहीं पर हवाई जहाज़ में कुछ गड़बड़ हुआ तो मुझे पता चला, तो मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आपको कुछ दिक्कत हुई है, क्या हुआ है? ये हमारा कर्तव्य बनता है। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और दमन में मैडम सोनिया जी, फिर हमारे अहमद पटेल सहित वो सारे लोग
उनका हेलीकॉप्टर एकदम से क्रैश कर गया। मुझे पता चला, मैंने तुरंत फ़ोन किया, मैंने कहा मैं यहाँ से आपको एयर एम्बुलेंस भेजता हूँ। तो अहमद भाई ने मुझे कहा नहीं अभी बिल्कुल हम लोग सलामत है, ये बात ठीक है, हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ है लेकिन हमें कुछ तकलीफ नहीं हुई है। एक बार सोनिया जी काशी गई थी इलेक्शन कैंपेन में और वहाँ उनको तबीयत एकदम ख़राब हो गई, तो मैंने तुरंत यहाँ से सबको भेजा, मैंने कहा भाई देखो क्या मामला है, या तो हवाई जहाज दो उनको। तो ये एक तो मेरे संस्कार भी हैं और मैं मानता हूँ कि ये राजनीति से परे होते हैं चीज़ें। तो मेरे लिए किसी भी परिवार में आपत्ति आ जाए, ये हमारा राजनीति से ऊपर उठ करके ही व्यवहार होना चाहिए जी। रिगार्डिंग दी गारंटी स्कीम्स इन कर्नाटका, कांग्रेस प्रॉमिस्ड 5 गारंटीज एंड दे आफ्टर कमिंग टू पावर दे डिलीवर्ड दैट वन, दे एज पर देयर प्रॉमिस दे आर डिलीवरिंग दैट वन नाउ, वेयरएज इन बीजेपी इज मोर, इन द लास्ट इलेक्शन यू लॉस्ट देयर ओनली 66 सीट्स यू एबल टू विन देयर, बीजेपी एबल टू विन देयर। नाउ अगेन येडियुरप्पा जी का लीडरशिप और उसका बेटा का लीडरशिप में ज़्यादा फोकस हो रहा है, इसका वजह से थोड़ा सा बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग नाराज भी है उधर। वो एक्चुअली आपका मन में कर्नाटका में अभी बीजेपी कितना सीट जीत सकते हैं, क्या है नंबर वन? यस, कर्नाटका की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया। तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्थन हमारा बड़ा है, लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में, सीएम कौन अभी भी वो बात सेटल नहीं हुई है, शपथ हुआ है सीएम का लेकिन सेटल नहीं हुआ है। अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें। अब कानून व्यवस्था देखिए, चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है। वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने और फिर टैग लगाए, ऐसा होगा तो ये मिलेगा, वैसा होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब आप जनता के साथ धोखा भी कर रहे हो। जब हमने कहा कि भी हम इन लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, फिर इफ्स एंड बट लगा करके उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अभी जब हमने कहा कि हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के व्यक्ति होंगे, इनको आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, आप में ये हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की जो योजना थी वो रद्द कर दी, किसान सम्मान निधि, कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करने का। अब बता, आप कोई सोच सकता है, जब बेंगलुरु दुनिया में हमारा बहुत बड़ा देश की इज्जत बढ़ाने में बेंगलुरु का बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में जब जाते हैं ना तो बेंगलुरु कहते ही ऐसा लगता है वो जैसे परिचित है, टैंक हब के रूप में जाना जाता था, आपने देखते ही देखते इसको टैंकर हब बना दिया और टैंकर में भी माफिया सही चल रही है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर ये जो हालत उन्होंने कर दी है, अब युवाओं के स्कॉलरशिप आपने संख्या भी कर दी, अमाउंट भी कम कर दी, यानी एक के बाद एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किए हैं। जिन मुद्दों को लेकर के वोट मांगा उन मुद्दों को आप वोट दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, डेप्टी सीएम वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं और वो खुद सीएम बन सके इसलिए सब खेल खेल रहे हैं, वो सीएम से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले लोग हैं। भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है जी। उसी प्रकार से येडियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं लेकिन काम पूरी टीम कर रही है और टीम मेहनत करती है, लोगों को विश्वास भी है और हम आगे बढ़ रहे हैं। द सेकेंड फेज सिलेक्शन ऑफ कर्नाटका, in nation it's the third phase, but for us in Karnataka it's the second phase election for 14 seats. There's a northern part of Karnataka majorly drought hit places are there.
Now, regarding this drought बारे में, already Congress is claiming that we went to Supreme Court. Now, central government is forced to give a rightful compensation. What's your opinion? देखिए, सिद्धारमैया है कि जब पुरानी सरकार थी और वहाँ ड्राउट था उस समय, मैंने खुद के ने उनकी पूरी टीम को यहाँ बुलाया था. एज अ प्राइम मिनिस्टर मैंने उस उनकी टर्म में इनको बुलाया था. बैठ करके मैंने कहा, भाई पहले हम जल संचय के योजना हमें बनानी चाहिए. अब जहाँ तक स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का सवाल है, हमारी सरकार ने पहले ही जो केंद्र का हिस्सा होता है वो उनके यहाँ बैंक के खाते में जमा करके दे दिया हुआ है जी. हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल टीम, उसने भी प्रभावित क्षेत्रों में जो नियम है, पद्धति वो जो हमने नहीं बनाई, कई दशकों से है, उसके अनुसार वो टीम वहाँ गई है, जा करके उसने सर्वे किया है. और हर बार ऐसा होता है, जैसे मेरे यहाँ गुजरात में भूकंप हुआ तो मैंने एक मेमोरेंडम भेजा, भारत सरकार ने एक टीम भेजी, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने हिसाब किताब लगाया. अब ये सारी प्रोसेस चल रही, आचार संहिता आ गई, तो हमने इलेक्शन कमीशन को कहा, भाई हमारे सामने ये विषय है, हम इसको जैसा ही आप परमिशन देंगे हम देना चाहते हैं. एनडीआरएफ के तहत अब राशि रिलीज भी कर चुके हैं उस नियम के अंतर्गत. मोदी जी, थोड़ा सा हमारे संग हमारे एंकर जुड़े हुए हैं विलास बड़े, ये आपसे कुछ महाराष्ट्र के बारे में बातचीत करना चाहते हैं. नमस्कार भैया. मोदी जी, तुम्हाला महाराष्ट्राचा नमस्कार, महाराष्ट्राकडून नमस्कार. महाराष्ट्र में बीजेपी को उन 23 सीटों को बचाना है जो आपने 2019 में जीती थी, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में एक पूरी खिचड़ी बनी हुई है. शिवसेना और एनसीपी टूटी है, उनके दो पार्टनर आपके साथ है, जो दो गुट है आपके साथ है. क्या उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी के साथ या उनके पक्ष में आप कोई एक सिंपैथी की लहर देख रहे? देखिए, पहली बात तो मैं महाराष्ट्र के सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं अलग से महाराष्ट्र के विषय को लेकर आपसे बात कर रहा हूँ. अब देखिए, ये बात सही है कि वहाँ लंबे अरसे से मिलीजुली सरकार चलती है. विलासराव देशमुख थे तब से लेकर के, आप देखिए, इवन शरद पवार भी जब मुख्यमंत्री बने थे वो भी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले नहीं बन पाए थे. दूसरा, महाराष्ट्र का दुर्भाग्य रहा है कि लंबे अरसे से 5 साल तक कोई एक मुख्यमंत्री रहा नहीं है, एक भी व्यक्ति 5 साल में. देवेंद्र फडणवीस पहले व्यक्ति थे लंबे अरसे के बाद जो एक पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री रहे, और पूरी सरकार बेदाग रही, पूरी सरकार लोगों का भला करने वाली सरकार रही. अब सिंपति हमारे साथ होनी चाहिए कि जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़े, जो लोगों ने हमारे साथ चुनाव लड़ करके महाराष्ट्र के लोगों से वोट मांगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के खुद के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण और उसमें अहंकार भर गया, इसके कारण आपने बाला साहब ठाकरे के जमाने से बनी बनाई इस जोड़ी को धोखा दे दिया, और उसका लोगों को गुस्सा है, बीजेपी के प्रति सिंपत्ति है. दूसरा, शिवसेना के अंदर जो तूफान खड़ा हुआ या एनसीपी के अंदर जो तूफान खड़ा हुआ, वो साफ साफ दिखता है कि जब आप अपने परिवार के लोगों को ही प्राथमिकता देते हैं और बाकियों को नहीं देते हैं तो कभी न कभी तो कठिनाई पैदा होती है. शरद राव के घर में जो मुसीबत है, उनके पारिवारिक झगड़ा है, भतीजा संभाले कि बेटी संभाले, यहाँ भी इनका झगड़ा यही है कि भाई और कोई सक्षम नेता ऊपर आए कि खुद का बेटा, भले अभी जैसे यहाँ एक परिवार में कांग्रेस के चल रहा है उस पर, तो वो झगड़ा उनका है जी. और मैं मानता हूँ हमारा देश इस प्रकार के पारिवारिक झगड़ों के प्रति
नफरत करता है, सिंपति नहीं करता है, तो ये बिल्कुल ही आप सिंपति शब्द लेकर के सिंपति दिलवाने की अगर कोई कोशिश करता है तो मैं समझता हूँ वो भी फेल जाने वाली है। लोग नफरत करते हैं, लोग ऐसी चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकते कि भाई ये तुम्हारे घर के झगड़े तुम घर में निपटो ना, महाराष्ट्र को क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो गुस्सा है दूसरी बात है। जहां तक आज शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा सीटें होने के बाद मैंने त्याग किया है, त्याग महाराष्ट्र की भलाई के लिए किया है। कुछ लोगों को लगता था कि हम सीएम बनना चाहते हैं, नहीं पर हम सीएम बन सकते, नहीं बने हैं। महाराष्ट्र की जनता को हमने कन्विंस किया है कि हम महाराष्ट्र के लिए जीते हैं, हमारे लिए नहीं जीते हैं। और इस चुनाव में ये सिंपति हमारे पक्ष में है कि इतना बड़ा दल, एक मुख्यमंत्री सफल रहा हुआ मुख्यमंत्री, वो आज डिप्टी सीएम बनकर के भी एक प्रकार से खुद के सम्मान को छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए। और मैं मानता हूँ हमारे देश में बंगाल बर्बाद हो गया, कोलकाता एक इकोनॉमी को ड्राइव करता था लेकिन वहाँ इस प्रकार के उठा पटक की राजनीति ने बर्बाद कर दिया, बिहार और उत्तर प्रदेश अस्थिरता की राजनीति ने तबाह करके रख दिए थे, महाराष्ट्र को इस हालत में जाने नहीं देना चाहिए। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, हमें देश हित में भी महाराष्ट्र में मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ये बात हम महाराष्ट्र की जनता को समझा रहे हैं, उनको कन्वे कर रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है जी। ओके, महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति बनी है लेकिन इस चुनाव में आखिरी समय तक सीटों की खींचातान बहुत चल रही है। अभी तक टिकट का वितरण भी बहुत जगह पर नहीं हुआ है, ये महायुति पर एक बड़ा सवाल नहीं है खड़ा करता? मुझे लगता है ये जो पहले दो वाक्य बोले ना, उसके सिवाय बाकी सब जो बता रहे वो उन लोगों का प्रॉब्लम है। वहाँ सीटें तय नहीं हो पा रही है, वहाँ निर्णय नहीं हो पा रहा है, वहाँ पैरेलल चुनाव लड़े जा रहे हैं, इस बाजू तो ऐसा ही नहीं, चल पड़े हैं लोग मिलजुल करके सीटें तय कर करके चल पड़े हैं जी, और वेल इन एडवांस कर दिया है शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी, ये तीनों ने इसको कर लिया है। सामने जो नकली पार्टियों का मेला मिलाप है वहां नहीं हो पा रहा है जी, उल्टा है। कितनी सीटें देखते हैं आप महाराष्ट्र में? पिछली बार 41 आई थी इसलिए पूछ रहा हूं सवाल। हम बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वोट भी बढ़ेगा सीट भी बढ़ेगी। सर 2017 में आप ही की सरकार ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण दिया था जो देश का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, लेकिन पिछले मंगलवार को शरद पवार जी ने एक कह दिया मराठी में, ते मराठी तसे म्हणाले कि मोदी जी देशाचे नवे पुतीन आहे, आप नए पुतीन बन रहे हैं। आप इस कमेंट को कैसे देखते हैं? मैं उनका आदर करता हूँ, आज भी करता हूँ। हाँ। और मैं मानता हूँ सार्वजनिक जीवन में लंबे अरसे तक जिन जिन लोगों ने काम किया है वो हमारे साथ रहे न रहे, हमारे विरोध बने वो अलग बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर वो पुतिन को देखते हैं उसकी सरकार से अवार्ड लेकर के वो गर्व कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है भाई। लेकिन वो गर्व कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी पार्टी की सोच और व्यक्तिगत रूप से मेरी सोच, अब देखिए हमने भारत रत्न दिया तो किसको दिया? प्रणब मुखर्जी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर, और इस देश में किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि मोदी जी अब इनको क्यों भारत रत्न दे रहे हैं? सबको लगता हाँ यार ये ड्यू था, डिजर्व था। किस दल के थे? हमारे खिलाफ ढेर सारी बातें उन्होंने बताई हुई ऐसे लोग हैं
लेकिन निर्णय उसके आधार पर ही होता है। आप पद्म पुरस्कार देखिए, मुलायम सिंह जी, असम के तरुण गोगोई जी, पीए सांगमा जी, जमीर जी, एसएम कृष्णा जी, आप देखिए जी, सारे लोग हैं, दूसरी पार्टियों के हैं, हमने उनको पद्म दिया। हम पद्म देते हैं उनको अपने अपने क्षेत्र में जो उनका योगदान है, देश के लिए जो भी उन्होंने किया है, ये देश का दायित्व है। अवार्ड देश का है, दल का नहीं है जी। ये मोदी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का उस पर कॉपीराइट नहीं है जी। तो मैंने पूरा पद्म पुरस्कार, तो मैं मानता हूँ कभी अगर आप स्टोरी चलाएं, मीडिया के लोग इंटरेस्ट करें, भारत में पद्म पुरस्कार को कैसे परिवर्तित किया गया, कैसे पद्म पुरस्कार एक प्रकार के सच्चे अर्थ में सम्मान बना दिया, इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। अगर तारीफ होनी चाहिए तो इस बात की होनी चाहिए कि भाई आप बहुत बड़े सोच वाले लोग हैं कि आप ऐसे ऐसे निर्णय करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि आपने उनको क्यों दिया। नहीं, देने के बाद भी उन्होंने ऐसा है स्टेटमेंट, ये शर्ती थोड़ा होता है मैं पद्म देता हूँ मेरे लिए चुप रहना, ये कोई एग्रीमेंट थोड़ा होता है, ये गिव एंड टेक फॉर्मूला नहीं है जी। मोदी जी, थोड़ी सी बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें वहां से आ रही हैं। क्या इस बार आप लोग 2014 का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? 71 सीट लाए थे बीजेपी, 73 एनडीए। इस बार अगर देखें तो अखिलेश और राहुल साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और दमखम के साथ जो है पूरे परिवार को उन्होंने वहाँ से उतारा है। खुद कन्नौज से लड़ रहे हैं अखिलेश जी, डिम्पल मैनपुरी से लड़ रही हैं, फिरोजाबाद, आजमगढ़, तमाम जगह से उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं। हो सकता है कि कहते हैं कि गांधी लोग भी शायद वापस अमेठी और रायबरेली से लड़े, तो इस उसमें आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? राहुल जी, आप जितने गर्व से सब उतरे हैं, सब उतरे हैं, सब चार बार बोल रहे हैं। नहीं नहीं, गर्व से ये मजबूरी है जी। क्या है, परिवार के लोगों को उतारना पड़ रहा है, ये मजबूरी है, ये उनका मूल कैरेक्टर है कि इसके सिवा उनके पास कोई है ही नहीं। फैमिली मेंबर्स के लिए लड़ना, फैमिली मेंबर के लोगों के लड़वाना, यही खेल है। अच्छा, ये पहले इकट्ठे नहीं आए क्या भाई? पहले भी इकट्ठे आ चुके हैं, बार बार इकट्ठे आ चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को अपना भविष्य क्या है उसकी समझ पूरी है। और इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं। और हुआ वैसा ही है, बड़े लोग ने चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है जी, लेकिन हम एक जिम्मेवारी के साथ काम चल रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि अब शायद कुछ बचेगा नहीं उनका, कुछ नहीं बचेगा। 2014 से बेहतर परफॉर्मेंस होगी उनका, कुछ बचेगा ही नहीं जी। जी, एक सवाल और, आप इसका पार्ट जवाब दे चुके हैं इसलिए मैं उसको संक्षेप में पूछूंगा। ऑपोजिशन कांग्रेस सब आपके पीछे कहता है कि सरकार जो है ईडी सीबीआई इंटेलिजेंस एजेंसी इसका इस्तेमाल कर रही है, आपने कहा है कि ईडी इंडिपेंडेंट है। सिर्फ एक सवाल यह है कि ऐसा देखा गया है कि 25 नेता का एक एनालिसिस एक न्यूज़पेपर ने की थी कि 25 नेता जब ऑपोजिशन पार्टी से बीजेपी की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के ऊपर से जो है इस तरह के केसेस को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया। इस बारे में पहली बात है, एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया है, जो अदालत कहेगी वही होगा, हम कोई निर्णय नहीं लेंगे, स्वतंत्र है। दूसरी बात है, पॉलिटिकल लीडरशिप के केस कितने हैं भाई? ओनली 3%, 97% अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट जेल में है। आखिर के संस्था का जन्म क्यों हुआ है भाई? अगर इन संस्थाओं का जन्म इसी काम के लिए हुआ तो काम नहीं करेगी क्या? और अदालत इतनी बड़ी है जी, किसी को जमानत नहीं दे रही है अदालत, तो अदालत देखती होगी ना भाई। और भ्रष्टाचार के मामले में हम कम से कम उसको लाइट न ले जी, सचमुच में देश में चर्चा होनी चाहिए कि पहला एक जमाना ऐसा था आपको आरोप लगता था ना तो भी हल जाते थे, आज गुनाह सिद्ध हो चुका है, सजा हो चुकी है, फिर भी आप हाथ ऊंचा कर करके फोटो निकलवा रहे हो, आप भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हो। इस देश में ये
आलोचना का विषय होना चाहिए। भ्रष्टाचार को न्यू नॉर्मल के रूप में ट्रीट नहीं करना चाहिए, वरना इस देश का बहुत नुकसान होगा जी। ये सवाल बीजेपी और अदर्स का माना नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है कि आप इसको न्यू नॉर्मल बना दें। और मैं देख रहा हूँ धीरे 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 ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, हाँ ठीक है यार वो तो चलता रहता है। ये यही तो देश, गरीब आदमी मर रहा है जी। हमने कैसे भी करके इससे देश को मुक्त करना चाहिए, रिजॉल्व होना चाहिए कंट्री का, वो नहीं हो रहा है जी। और मैं तो मानता हूँ कि भाई देखिए, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, एक सिस्टम को पॉलिसी ड्रिवन बनाओ, टेक्नोलॉजी को भरपूर लाओ। आज हमने, पहले एक प्रधानमंत्री कहते थे एक रुपया जाता है 15 पैसे पहुँचता है जी, आज मैं कहता हूँ 1 रुपया जाता है पूरे 100 पैसे पहुँचते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्यों? सिस्टम को सुधारो भाई। हमने जेम पोर्टल बनाया, करप्शन को कम करने की दिशा में हमारा बहुत बड़ा कदम है जी। दूसरा, समाज को भी जगाओ, समाज को भी आदत डालो कि भ्रष्टाचार बुरा है, किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार से मुक्त रहना चाहिए। और देश में वो वातावरण बन रहा है, पॉलिटिकल लोगों को डर नहीं है। और मैं मानता हूँ उसमें कुछ मात्रा में ये जो सिर्फ हमारा विरोध है इसलिए उनका समर्थन कर देना, ये शोभा नहीं देता है भाई। आपने पिछले कार्यकाल में काफ़ी बड़े काम किए, आर्टिकल 370 को रद्द किया, CAA को लेके आए, मगर ऑपोजिशन लीडर्स इस कैंपेन में सब कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सब को जो है CAA को रिपील कर देंगे। ममता बनर्जी खास करके कह रही हैं CAA को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगी, इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि जिसको भारत का संविधान समझ है, जिसको भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का पता है, किसके पास कौन काम है वो सब पता है, वो कभी ऐसी बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय ही नहीं है जी। अगर मोदी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता है जी। जो भारत सरकार के विषय है वो भारत सरकार करेगी, जो राज्य सरकार के विषय होते हैं वो राज्य सरकार करेगी। लेकिन जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई है, जनता को अंधेरे में रखने, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। दूसरी बात है, मैं चैलेंज करता हूँ कांग्रेस पार्टी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि हम 370 वापस लाएंगे, क्योंकि 370 हटने के बाद ये लोग संविधान की इतनी बड़ी बातें करते हैं ना जी, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हमको इतनी गालियाँ देते हैं। हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा है, ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहाँ दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है जी, वाल्मीकि समाज वहाँ रहता है वहाँ पहली बार आरक्षण मिल रहा है, ये सब क्या बातें करते हैं जी। और उनकी हिम्मत है क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम 370 फिर से वापस लाएंगे? हिम्मत है तो कोई भी दल, हिम्मत है तो आ जाए मैदान में। मोदी जी, बंगाल की तरफ चलते हैं, वेस्ट बंगाल में जो है इस बार चुनाव काफ़ी जोरों में लड़ाई हो रही है। पिछली बार जब आप 2019 में 18 सीट लाए थे 42 में तो लोग चकित रह गए थे, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आप 18 सीट लाएंगे। इस बार आपके एक नेता ने कहा है कि 36 सीट आ सकती है, राजनाथ जी ने मुझसे इंटरव्यू में कहा था कि 36 सीट आ सकती है, कैसे देख रहे हैं इस वक्त माहौल को? देखिए, जहाँ तक लोगों का चकित वाला जो आप कह रहे हैं ना, उनका प्रॉब्लम यह है कि मुझे 10 साल हो गए, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं कि देश की जनता ने मोदी नाम के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। तो ऐसी एक जमात है जो देश के मैंडेट को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जी। अब हकीकत है भाई कि देश की जनता हमको समर्थन दे रही है, आपने हिसाब लगाया था नहीं होगा नहीं होगा, वो तो आपकी गलती थी जी। लोग हमारे तो लोगों के साथ संपर्क है, पर मैं मालदा में था, मैंने जी बहरान था, कितना बड़ा जबरदस्त वहाँ माहौल था जी। अब जनता जनार्दन का विश्वास बन रहा है कि देश में एक स्थिर मजबूत सरकार है, बंगाल में भी उसका परिणाम अच्छे मिले, और TMC के शासन में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे, संदेश खाली की जो घटना है, पूरे देश को हिला दिया है जी। और उसका गुस्सा निकलना ही निकलना है मतदान में, आखिर जनता के पास तो मताधिकार है, उसी से अपना गुस्सा निकालेंगे जी, तो गुस्सा निकलना है, बहुत स्वाभाविक है। आपने देखा होगा नोटों के ढेर, क्या कभी आपके TV वालों ने इतने सारे नोटों के ढेर कभी पकड़े गए देखा था जी? पिछले कुछ सालों में आप लगातार
50 करोड़ के ढेर, 300 करोड़ के ढेर, 250 करोड़ के ढेर, 200 करोड़ के ढेर, देश चौंक गया है जी। आप कितना इसको दबाने की कोशिश करो, लेकिन देश के दिल दिमाग में स्थिर हो चुका है कि लूट लूटने वाले लोग हैं। तो इस बार जीत और बड़ी होगी, बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रहे हैं। ओडिशा को कैसे देखते हैं? ओडिशा में आपने जो है बीजेपी का साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी वहां अलग रही है। बीजेडी ने मुद्दों के आधार पर समर्थन, केंद्र में हमारा समर्थन किया था मुद्दों के आधार पर जी। और ऐसे बहुत से दल हैं जो मुद्दों के आधार पर हमें समर्थन देते रहे हैं। तो बीजेडी का हमारा नाता बुरा राज्य के अंदर, हम बिल्कुल उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही भाई, उड़ीसा की अस्मिता संकट में है। उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है, और मैं नहीं मानता कि उड़िया के लोग अब ये लंबे अरसे तक इसको सहन कर सके। इतने संसाधन है जी, आज उड़ीसा देश का रिचेस्ट स्टेट बन सकता था जी, रिचेस्ट स्टेट, लेकिन क्या हालत बना के रखी है। तो अब उड़ीसा के सामान्य मानवी के अंदर एस्पिरेशंस है जी, और मुझे लगता है कि हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए। हम उड़ीसा को कहां से कहां पहुंचा के देंगे। उड़ीसा से बात बिहार की भी करते हैं। बिहार में आपने फिर नीतीश जी के संग वापस जो है आपका गठबंधन उनके साथ है, उस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? पिछली बार 39 सीटें थी आपकी 40 में, क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? पहले एक तो हम चुनाव असेंबली का 60 लड़े थे जी, बाद में वो कहीं गए फिर वापस आए, तो हम जो जनता का मैंडेट है उसके अनुसार साथ में है जी। जहाँ तक जन समर्थन का सवाल, तो मैं बिहार में ही था जी, जो जन समर्थन मैं देख रहा हूँ जी, अनप्रेसिडेंटेड। इतनी गर्मी में कोई पैंडल नहीं, कुछ नहीं जी, और लाखों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए हैं, मैं साफ देख रहा हूँ जी कि बिहार में पहले हम एकाध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। 40 में 40 एक भी नहीं हारेंगे। बहुत बड़ा बयान है मोदी जी। एक आध पर्सनल सवाल आपसे करना चाहूँगा। आपने बहुत इलेक्शन देखे हैं, आप गुजरात में लंबे समय रहे हैं, ये आपका तीसरा चुनाव है सेंटर में। मैंने देखा है कि समय समय पर चुनाव चुनाव से आप पर पर्सनल अटैक अक्सर होते जाते हैं। कहीं पे कभी बोला जाता है मोदी को गोली मार दो, कभी बोला जाता है सर फोड़ दो, अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने भी आप पर कुछ आपको कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो कि पर्सनल अटैक के तौर पर उनको भी देखा जा सकता है। ये ऐसा मोदी के साथ क्यों होता है? मोदी के साथ क्यों हो रहा है इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सवाल मोदी को क्यों पूछना चाहिए? ये सवाल इस देश में चर्चा का होना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में आखिर मोदी का गुना क्या है। वो पीएम बना वही गुना है ना, मतलब आप जो भी गाली देते प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री को इस प्रकार से सर फोड़ देंगे या कभी मेरी माँ को गाली देना कभी ये, और मैं हैरान हूँ जी भारत के राष्ट्रपति पर भी किस प्रकार का कटाक्ष किया गया था, शर्म आए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था। मैं हमेशा मानता हूँ जी मतदाता ही मेरा परिवार है, देश ही मेरा परिवार है, और मैं सकारात्मक रूप से जा रहा हूँ, लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं उस पर तो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, देशवासियों पर छोड़ता हूँ कि इन लोगों की तरफ कैसे देखना चाहिए। मोदी जी, अगर एक सवाल मैं ये समझना चाहूँ कि ये जो तीसरा टर्म होगा आपका, वो पहले दूसरे से अलग कैसे होगा? पहला कार्यकाल मेरा कैसा गया, तो मैं सामान्य मानवी की जो ज़रूरतें थी उनको मैं एड्रेस करना चाहता था, मैंने उस दिशा में काम किया, और उस समय देश के अंदर एक निराशा का वातावरण था, सरकार के प्रति नफरत का वातावरण, भाई सरकार यानी निकम्मी, मुझे विश्वास भरना था, मैंने उस पर काम किया, मजबूती लाया। जो दूसरा कार्यकाल था वो मैंने कुछ परिणाम दिखाए, लोगों को विश्वास भर दिया कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम दुनिया के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आया है देश में, वो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी ताकत है। अब आगे जो मेरा कार्यकाल है, मुझे ये जो हताशा में से विश्वास में परिवर्तित हुआ, आकांक्षा में परिवर्तन हुआ, जो एस्पिरेशंस के अंदर परिवर्तित हुआ, अब मुझे देश को
तीसरी आर्थिक महाशक्ति बना रहा है। लेकिन ये जब मैं 11 से 5 पे लाया, उसी की कंटिन्यूटी है जी। जी ये मैं 5 वर्ष और निकम्मा और 3 वाला अच्छा ऐसा नहीं हो सकता जी। तो पहले मनमोहन सिंह के समय पर 11 तक थे, हम जोर लगा करके 5 पर ले आए, अब जोर लगा करके 3 पर ले जाएंगे। तो हम हर चीज़ में कंटिन्यूटी करना चाहते हैं। अब जैसे बिजली, हमने बिजली पहुंचाने का बड़ा अभियान चलाया, बिजली पहुंचा दी। अब मेरा लक्ष्य है पीएम सिर्फ घर योजना और जीरो बिजली बिल, और मैं हर घर पर सोलार सिस्टम लगे, और मैं सिर्फ बिजली का बिल जीरो चाहता हूँ इतना। मैं 3 चीज़ें चाहता हूँ। एक, हर परिवार का बिजली का बिल जीरो हो। दूसरा, अतिरिक्त बिजली जो हो वो बेचे, कमाई करे। तीसरा, जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का आएगा, मुझे आत्मनिर्भर होना है एनर्जी के सेक्टर में। और इसलिए मैं चाहूँगा जिसके पास भी स्कूटी हो, मोटर हो, जो भी हो जी, उसका चार्जिंग अपने घर में ही हो जाए और सोलार से हो जाए। मतलब आज उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का महीने का 1000-2000 रुपया खर्चा आता है वो भी जीरो हो जाए। ये त्रिविध बेनिफिट नागरिक को और देश को, पर्यावरण का बेनिफिट देश को, आज पेट्रोलियम इंपोर्ट करने का जो अरबों डॉलर जा रहे हैं बाहर वो बंद हो जाएगा। तो मल्टीपल बेनिफिट वाला योजना। अब जैसे स्टार्टअप हब, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है मुझे, इनोवेशन हब बनाना है, यानी मैं एक बिल्कुल नए एरिया पर देश को ले जाना चाहता हूँ। और बड़े कॉन्फिडेंस का और विजन मेरा क्लियर है, मुझे कोई दुविधा नहीं। मेरे पास बताया है नेक्स्ट 100 डेज में, 4 जून के बाद 100 डेज में मुझे क्या काम करना है, अभी से मेरे पास क्लियर है। 5 साल में क्या करना है क्लियर है। 2047 में विकसित भारत बने क्लियर है। इसलिए मैं कहता हूँ 24/7 फॉर 2047, ये मेरा मिजाज है। इस पर अलग से एक चर्चा करनी पड़ेगी आपको हमारे ग्रुप के साथ। आज विलास मुझसे सुबह एक सवाल पूछ रहे थे, मैंने कहा आप मोदी जी से खुद ही पूछना डायरेक्ट। आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी कठिनाई का सामना किया है, ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते हैं, एक कैसा कर पाते हैं? देखिए मैं टफ डिसीजन वगैरह नहीं लेता हूँ जी, मैं सही डिसीजन लेता हूँ। कोई टफ डिसीजन होते नहीं, सही भी होते हैं, किसी को टफ लगे किसी को ना लगे ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि ये सब कैसे होता है, जैसा आचार्य आपको होता है मुझे भी होता है कि मोदी ये कैसे करता है। फिर मैं सोचता हूँ नहीं नहीं नहीं, शायद परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए भेजा हुआ है। मुझसे जो कुछ भी है वो कोई ईश्वरीय शक्ति करवा रही है, और वो ईश्वरीय शक्ति ईश्वरीय प्रेरणा से मैं करता रहता हूँ। ये कोई परमात्मा की देन है, परमात्मा ने मुझसे कुछ काम लेना तय किया है, किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है। और इसलिए मैं ये जो बाकी तूफान चल रहा है उससे बहुत परे रहता हूँ। लेकिन इस तूफान में शांत कैसे रहते हैं? वही मैं उससे परे रहता हूँ। मुझे शायद परमात्मा ने यही राह दिखाई है कि तुम उन चीज़ों में मत उलझो, तुझे कोई बड़ा काम करना है तुम अपने काम में लगे रहो। तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की योजना है, और शायद ये उसी का मैं एक निमित्त हूँ, कुछ नहीं। इसी से जुड़ा सवाल था कि आपको हम लोग देखते हैं, हमको आपका शेड्यूल मिलता है, आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं दिन में 5-4-6 रैली, वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको ये दृढ़ संकल्प दे रही है आगे बढ़ने का? पहली बात तो मैंने कहा ना कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ जी, ये ईश्वर ने तय किया हुआ है। ईश्वर ने मुझे शायद इसी काम के लिए भेजा है, क्योंकि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ जी, मेरी माँ ने कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे स्कूल नहीं देखा था, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और इतना बड़ा देश इतना काम ईश्वर नहीं करेगा तो कौन करेगा जी? और मेरे लिए दो ईश्वर हैं, एक जिसको हम देख नहीं पाते हैं, और दूसरे वो जो जनता जनार्दन है। मैं जनता जनार्दन को भी ईश्वर का ही
रूप मानता हूँ, और दूसरा परमात्मा के प्रति मेरी अपार श्रद्धा है। शायद परमात्मा ने मुझे इस काम के लिए भेजा है, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है, शक्ति दी है। जहाँ तक मैं काम क्यों कर पाता हूँ, मैं मेरे लिए जीता नहीं हूँ, न मैं मेरे लिए जन्मा हूँ, तो मेरे मन में हमेशा रहता है कि मुझे जितना समय मिला है उसका पल पल मैं देश के काम आऊँ। जहाँ तक मैं दौड़ता दौड़ता मैं मानता है लोकतंत्र एक बहुत बड़ा उत्सव है, फेस्टिवल है जी। ये जनता जनार्दन के दर्शन करने का अवसर है जी, हमें मौका लेना चाहिए, जितना जनता जनार्दन के दर्शन कर सकते करना चाहिए। लोकतंत्र का एक उत्सव है जिसमें संवाद होना चाहिए जितना ज़्यादा। तो मैं इसको एक, वैसे हम घर में कोई बड़ी पूजा करते हैं ना, कैसे इन्वॉल्व होते हैं, मेरे लिए पूजा का समय है। मेरे 140 करोड़ देवता, उनकी मैं पूजा कर रहा हूँ, उस भाव से मैं चलता हूँ, लगा रहता हूँ उनमें, तो खप जाता हूँ और थकता नहीं हूँ, भगवान को देख के आता हूँ। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने समय इतना समय निकाला। आपके नारे की तरह इस बार हमारा भी एक नारा है, अगली बार सिर्फ न्यूज 18 पर आर पार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को समय दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सगड़ांना, माझे नमस्कार सगळ्या महाराष्ट्रातल्या जनतेला। मोदी जी आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने पनिशिंग शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला। इस इंटरव्यू को हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, कुछ बिग पिक्चर क्वेश्चंस पूछेंगे शुरुआत में। हमारे संग हमारे दो कलीग्स जुड़े हुए हैं, एक महाराष्ट्र के एंकर हैं, दूसरे हमारे कर्नाटका के एडिटर हैं। ये दो स्टेट्स अहम हैं इस चुनाव में, तो हमने सोचा कि थोड़े सवाल वो भी आपसे करेंगे। शुरू करते हैं, पहला